गुड इवनिंग। और आज का जो हम लोग का बीच में ये ओकेशन है, ये यमरपादंग जो 28 अगस्त 2022 में जो फर्स्ट FIR दिया था, आज 28 अगस्त 2023 है, एग्जैक्टली एक साल हो गया है। तो आज उसी समय को हम ऑब्जर्व करने के लिए आया है। हमारा यमरपादंग जो विसल ब्लोअर है, और इसी को इसका ऑनर में, इसका मेमोरी में आज हम सब आया है। तो ये सब बोलने से पहले आप सबको एक कहानी बताना चाहूँगा। ऐसा है, आई थिंक आप सबने सुना होगा ये जो हमिंग बर्ड का जो कहानी है। ऐसा होता है जब जंगल में आग लगता है, बहुत वाइल्ड फायर, बहुत बड़ा से आग लगता है। तो जब जंगल में ऐसे आग लगता है तो जितना भी जंगल का जानवर है सब अपना जान बचाने के लिए सब भागता है सब, क्योंकि वाइल्ड फायर आप सबको पता है कि एक बार लग जाने से उसको रुका भी नहीं सकता है, इतना मैसिव आग जलता है। तो उसी बीच में सब अपना जान बचा के सब भाग रहा होता है, सब कोई जानवर इधर कोई जानवर उधर, हर जगह सब भाग रहा होता है। तो सब भाग रहा था, उसी बीच में सब जानवर देखता है कि एक छोटा सा चिड़िया, हमिंग बर्ड, छोटा सा चिड़िया वहां पे कहीं में छोटा सा एक तो पानी से, ये पॉन्ड से, वहां से पानी ड्रॉप्स लेके वो आग को बुझाने का कोशिश कर रहा था। एक एक बूंद लगा के वो लोग कोशिश कर रहा था, वो पर्टिकुलर जो छोटा सा चिड़िया है। तो शुरू में सब जानवर उसको बोलने लगे, सब उसको गाली दिए, अरे ये तो मजाक चल रहा है, यहाँ में इतना बड़ा आग, आपका जो छोटा सा जो बूंद है इससे कुछ होगा क्या? तो सब जितना जानवर है, क्योंकि जंगल में तो बड़ा बड़ा जानवर है, सब उसको उल्टा हंसा है, उसको गाली दिया है, ये बेवकूफी है, अगर ज्यादा ऐसे करेगा तो आप ही कुछ जल जाएगा। तो फिर भी ये छोटा सा बर्ड जो हमिंग बर्ड है उसने हार नहीं माना, उसने फिर भी बार बार जाके वो छोटा सा पॉन्ड से एक एक ड्रॉप पानी लेके उसमें फेंकने का कोशिश किया। तो उसका एफर्ट को जब देखा जितना भी जंगल का जानवर है, एक पॉइंट का बात वो लोग सोचने लग गया, ये छोटा सा चिड़िया ये हम लोग का उंगली का बराबर भी नहीं है, फिर भी इतना बड़ा आग को बुझाने के लिए ये बार बार वहां से पानी एक एक ड्रॉप लेके बुझाने का कोशिश कर रहा है, शायद कुछ तो होता होगा। तब वो लोग सोच में पड़ गया। तब उसी बीच में तब सब जानवर एक दूसरा को देखने लग गया, एक दूसरा को देख के तब वो लोग को समझ में आया कि अगर हम हर कोई यहां से भागेंगे तो चलो भले ही हम अभी के लिए हम आग से बच जाए, लेकिन वही आग वो उसका जितना जंगल है, उसका जो घर है, जो जंगल उसका जो घर है, उसको राख करके रख देगा। और जब राख करके रख देगा वो जितना भी जानवर है सब वैसे भी मरना था। तब वो लोग को रियलाइज हुआ, तब उन्होंने क्या किया, एक एक छोटा छोटा जितना भी जानवर है सब जमा हो गया, और वहां पे जहां पे आग जल रहा था तो उसी आग को बुझाने के लिए वहां से जो नदी है, आसपास में जो नदी था, वो नदी का डायरेक्शन को उसको पत्थर से बंद करके और ये लकड़ी से बंद करके उसका डायरेक्शन को चेंज करा के वो आग का डायरेक्शन में सब मिलके उसको आग का तरफ में कर दिया, पानी को उस तरफ बहने के लिए डायरेक्शन उसको चेंज कर दिया। तब धीरे धीरे करके वो जो पानी है, वो जो नदी है, वो नदी का पानी वो आग को धीरे धीरे बुझाने लग गया। तो तब सबको अकल आ गया कि हम जब यहाँ में कुछ गलत चल रहा है, कुछ खराब चल रहा है, यहाँ पे हमारा ये लाइफ को थ्रेटनिंग हो रहा है, तो हम यहाँ से भागेंगे तो हमारा ही ये नुकसान है। तब सबको रियलाइज हुआ। तो ये कहानी सबको पता है, आई थिंक बहुत लोगों को पता है। तो अभी यहां में ये कहानी का सिग्निफिकेंस ये है, यहां में जो छोटा सा जो चिड़िया है ये हम लोग का ब्रदर यमरपादंग था। आप सब फिर से सोचिए, ये जो चिड़िया था जिसको सब हंस रहा था, जिसको सब मजाक बना रहा था, जिसको सब गाली दे रहा था, वो यमरपादंग है। उसने देखा कि आग जंगल में लगा हुआ है, अब ये आग को बुझाना जरूरी है, क्योंकि ये आग को अगर आज नहीं बुझाएगा ये कल को हमारा जितना जंगल जो हमारा घर है उसको राख करके रख देगा। अगर राख करके रख दिया
तो वैसे भी सब जानवर को मरना है। तो ऐसे करके जो ग्यामर पदंग, इसको जो छोटा सा बर्ड जैसा उसने एक डायरेक्शन दिखाया, तो उसने जो आग बुझाने का चक्कर में, उसका जो प्रयास में, उसका जान भी चला गया। तो आज हमारा बीच में ग्यामर पदंग नहीं है, लेकिन उसने एक रास्ता दिखा के गया है। तो उसी में जितना भी यहां में जो आग जल रहा था, जो जंगल में जो आग लगा हुआ था, ये जो है, ये हमारा यहाँ पे जो सिस्टम में जो चल रहा था पिछले 20-25 साल से, शायद उससे पहले से भी, यहां में जो चल रहा है, जो सिस्टम में जो गलत चल रहा है, ये छोटा मोटा पेपर लीकेज या पेपर सेलिंग छोटा मोटा इशू नहीं है। ये इशू जो है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मास मर्डर का इक्विवेलेंट है। आप सब फिर से गौर करके सोचिए, क्योंकि देखिए, कोई मर्डर होता है उसको गोली से मारता है, कोई चाकू से, कोई बीमार से मरता है, लेकिन ये जो बीमार है, ये जो यहाँ पे जो पेपर लीकेज का जो ये चल रहा है, ये हम लोग का ड्रीम्स का साथ, हमारे एस्पिरेशन का साथ, हमारा जो एक हमने एक जो सपना देखा है उसका साथ, उसको यहां में गला घोट के मारा जा रहा था। और ये जो है जंगल में जो आग लग रहा था उसका उसका उसी डायरेक्शन में, उसका बराबर में ये हमारा जो सपना है, हमारा जितना भी एस्पिरेशन है, और वो भी इतना साल से, कोई कोई रहता है जिंदा रहता है अपना कहानी बताने के लिए, लेकिन उसमें से बहुत लोग है जो जिंदा भी नहीं है अपना कहानी बताने के लिए। कितना लोग सुसाइड किया है, कितना लोग का, कितना लोग डिप्रेशन में चला गया है, कितना लोग आज भी हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। आप सब जितना भी एस्पिरेंट्स, आप सब रिलेट कर सकते हैं, हमारा स्कूलिंग का बात, हम कॉलेज में जाते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो ग्रेजुएट होने के बाद जब हम प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करने के बाद बावजूद भी बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं। हमारे हिसाब से मेरा प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं था, हमने लाख कोशिश किया एंड हम डिजर्विंग भी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मेरा हो नहीं रहा है। तो सोसाइटी में क्या होता है, माँ पिताजी भी पूछता है, बेटा तुम क्या कर रहे हैं आजकल, तब एक पॉइंट का बाद हम जवाब भी नहीं दे सकता है। उसके बाद सोसाइटी पूछता है, तो ऐसे में हम सोशल गैदरिंग में भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले पूछता है आप क्या करता है, तो हम लोग के पास तो जवाब नहीं होता है। तो ऐसा में बाद में क्या होता है कि हम खुद को ही ब्लेम करने लग जाता है, शायद हम ऐसे पैदा हुआ था होगा, हम ये ऑफिसर बनने का हम लायक नहीं है, हम खुद को ही ऐसे मानने लग जाता है। और ये सब इसलिए होता है, ये हम लोग का गलती नहीं है, ये जो है सिस्टम में जो ऑलरेडी गड़बड़ चल रहा था उसका कारण है। तो ग्यामर पदंग ऐसे हमिंग बर्ड, एक छोटा सा चीरा जैसे हमको जो दिखाया है, और वही सेम जो आग था जो जंगल को जलाया जा रहा था, वही सेम आग आग जो था हम लोग का सपना को, हम लोग का ड्रीम्स को, इतना सालों साल से उसको जला के राख करके रखा हुआ था, ये है। तो आज क्या हो गया कि ग्यामर पदंग वो आग को बुझाने का चक्कर में, वो प्रयास में अपना जान को उसमें उसने कुर्बान कर दिया, लेकिन जाते जाते हमें रास्ता तो दिखा दिया कि आग जल रहा है, इसको बुझाना जरूरी है, इससे भागेगा ये कभी सोल्यूशन नहीं होगा, ये है। तो आज आप देखिए, आग अभी भी जल रहा है, और हम आप जो भी जानवर हम उसको बुझाने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को सप्रेस किया जा रहा है। आप सब देख सकते हैं, ये अफवाह पहले, इससे पहले कभी लागू हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ है, अचानक से इसी इशू को सप्रेस करने के लिए ये अफवाह एक्ट को यूज किया गया। और आप देखिए अभी किस किस को भेज रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज देता है, कभी पुलिस प्रशासन का मिसयूज किया जाता है, कभी पेरेंट्स ग्रुप बना के किसी को भेजता है, ऐसे करके इशू को एक्चुअली डाइल्यूट करने का कोशिश कर रहा है, सप्रेस करने का कोशिश कर रहा है। और यहां में आप सबको बता दो, हम जितना भी यहां में आवाज उठाते हैं, हम सबको पर्सनली ट्रैकिंग कर रहा है, अभी भी कर रहा है, हम सबका नंबर ट्रैक्ट है, हमारा काम है प्रॉपर्टी से, हम क्या करता है, किसको मिलता है, किसको बात, सब कुछ वो लोग का रिकॉर्ड है। एक्चुअली इतना ट्रैकिंग इवन कोई टेररिस्ट को भी नहीं करता है। और जिस हिसाब से हम लोग को सप्रेस करने का कोशिश किया,
उस समय में हम लोगों को पता चला कि देखो यहाँ में इतना बड़ा बड़ा ये क्राइम होता है, इतना बड़ा क्रिमिनल्स है, लेकिन कभी भी ये लोगों इतना तक करने का कोशिश कभी किया नहीं है। तो यहां से पता चलता है कि ये जो आग जो लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो ऊपर में जो बहता है उसको, जो आग को जलने देने के लिए जो ये जो पेट्रोल डाल रहा है, ये गवर्नमेंट का तरफ से किया जा रहा है। तो इसका वजह से यहां में ये इशू को सॉल्व करने के लिए विल ही नहीं है। यहां में एक साल हो गया, यहां में जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड रखा है ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो हमको बोलने देना भी नहीं चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रोएक्टिव होकर करना चाहिए। अब बाकी स्टेट में देखा है जब भी ऐसा कुछ हादसा बड़ा सा होता है स्टेट गवर्नमेंट खुद से आता है, लेकिन यहां पे हमने देखा है कि यहां पे पॉलिटिकल विल ही नहीं है। तो अभी बचा क्या? अभी हम जितना भी जंगल में जो जानवर है हम अभी हमारा हाथ में है। ये आग को हमको बुझाना है कि नहीं, आप सबको तय करना है बुझाना है कि नहीं, बुझाना है, बुझाना है, आप सबका साथ है। अभी ये जो आग जो लगा हुआ है, जो ग्यामर पदंग एक एग्जांपल सेट किया है, आज का दिन में हम इसका मेमोरी में, इसका श्रद्धांजलि में हम आज कसम खाना है। या मैं जितना आया है, हमारा जितना पेरेंट्स है, जितना माँ पिताजी, आप सब सोच लीजिए, आप लोग इतना तकलीफ करके अपना बच्चा को पढ़ाता है, स्कूलिंग में स्कूल भेजता है, कॉलेज भेजता है, लेकिन वहां से ग्रेजुएट होने का बाद भी तो आप देखिए उसका क्या हाल हो रहा है वहां में। अभी जैसे कि कोई बोलता है एग्जाम करो, अभी सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज होके बैठा हुआ है। अभी एग्जाम देने से भी मिलेगा? आपको लगता है मिलेगा? ये लोग इसलिए एग्जाम कराने, अभी भी कुछ हुआ नहीं है। 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड में एक भी पॉइंट को सही से नहीं किया है, मजाक बना के रखा है। तो ये तो हमारा जो सुप्रीम सेक्रीफाइस जो ग्यामर पदंग ने किया है, इसका ऊपर बहुत बड़ा इंसल्ट है। हम सबका जितना भी पेरेंट्स है, आप सबको बोलो ये इशू सबसे बड़ा हमारा जितना भी अम्मा बाबा है, माँ पिताजी है, आप सबका इशू है, आप सबका इशू है। क्योंकि यहां में जो सिस्टम है जो घुसने जा रहा है, माँ पिताजी आप सबका बच्चा को सिस्टम में घुसना है, ऑफिसर आपका बच्चा को बनना है। जब सिस्टम में ऐसा बीमार पड़ा हुआ है इसको करेक्शन करना, स्पेशली माँ पिताजी हम सबका रोल है। और जो एस्पिरेंट्स है, आज जो भी आया है, जो भी इतना बारिश भी हो रहा था फिर भी इतना दूर दूर से आया है, आप सबको बता दो, देखिए इसमें हम यहां में जुड़ा हुआ है तो दिल से जुड़ा हुआ है। अगर ये इशू को बेचना था तो एक साल तक ड्रैग नहीं होना था, और ये अभी भी इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का तरफ से सॉल्व हुआ नहीं है। अगर सॉल्व होता तो हम यहां में क्या करना था? आप सब देख सकते हैं 13 पॉइंट सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, अभी तक क्या किया है? तो इसलिए अभी जितना भी हमारा आम जनता है और यहाँ पे जितना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में से कोई कोई आया है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोगों में आप सबको फिर से आप सबको रिमाइंड कर दो, अरुणाचल में स्टूडेंट यूनियन क्या के लिए बनता है? स्टूडेंट ओरिएंटेड इश्यूज के लिए। और ये इशू से सबसे बड़ा स्टूडेंट ओरिएंटेड इशू और अभी आज का समय में अरुणाचल में कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे कौन आगे आ रहा है? कोई भी आगे नहीं आ रहा है। तो यहां से पता चलता है कि यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन किस ऑब्जेक्टिव का साथ यहां में बनाया है, हम सबको सवाल करना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट यूनियन है अभी तक जहां में भी चुप बैठा है, काइंडली अभी से आप सब आवाज उठाना शुरू कीजिए। और ये जो हमारा सीबीओस है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग आप सब मालूम है कि हम लोग अरुणाचल जो है इतना क्लोज नीट सोसाइटी है, यहां में ट्राइबल सोसाइटी का जो एक सीबीओ का जो रोल है इतना सिग्निफिकेंट है, जबकि यहां में सबसे प्रोएक्टिव स्टेप जो है सीबीओस लोग करना चाहिए था, लेकिन सीबीओस लोग सबका सब चुप। ऐसे कैसे हो गया? निशियालाइज सोसाइटी बात ही नहीं कर रहे, आदि बने कबंग बात ही नहीं कर रहे, गलो वेलफेयर सोसाइटी बात ही नहीं कर रहे, तकिन कल्चरल सोसाइटी बात ही नहीं कर रहे, तनी सुपुन तुपुन बात ही नहीं कर रहे, और बाकी जितना भी ट्राइब्स, क्या हो गया? आप सबका बच्चा नहीं है क्या? ये इशू आप सबका नहीं है क्या? देखिए यहां में हम जेन्युइनली ये इशू को सॉल्व करने के लिए आया है, इसलिए
हमारा जो जमर पदंग, हमने जैसे शुरू में बोला कि इसने एक एग्जांपल सेट किया है और ये इशू का चलते इतना लोग का सेक्रीफाइस हुआ है। आप देखा है पदंग सर का जान भी चला गया, उसी बीच में ले तुम्ही गंगा कभी ये मर्डर हो जाता है या मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उसका डेथ हो जाता है। तो आपने देखा है बनकोल समय में कितना लोग को हमारा सिर पोरा है, ये इंजूर किया है और उसी बीच में मोर देन 120 आदमी को डिटेंशन में डाला है, उसमें से मोर देन 50 आदमी मोर देन 30 डेज बैठा है घर में ये जेल में। और ये सब क्या के लिए जेल में गया था? ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए। अगर गवर्नमेंट रिजॉल्व किया होता तो हम ग्राउंड में उतरना भी नहीं था, बनकोल भी होना ही नहीं था, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं। हम अगर गवर्नमेंट को अपील नहीं करेगा, गवर्नमेंट आप बेता है पब्लिक का हित के लिए, और ये इशू जो है ये पब्लिक का हित के लिए है और यहाँ में आम जनता का हम सब का आवाज है। और आप जो वहां पे बेता है, जो गवर्नमेंट में बेता है, आप सब अगर जनता नहीं होता तो आप भी नहीं होता है। तो जनता का आवाज को आप भी सुनना पड़ेगा। और अभी का जो जनता का जो आवाज है, जो पुकार है, अभी आप इसको डिनाई नहीं कर सकता है। तो उतना बोल के जो हमारा ग्यामर पतंग का ये नाम से आप सबको फिर से दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा देना चाहूंगा। और यहां से फिर से और एक बार आप सबको बता दो, हम आज यहां से कसम खा के जाना है कि जो सपना ग्यामर पतंग ने शुरू किया हम उसको किसी भी हालत में हम उसको फुलफिल करेंगे। और ये सब हम लोग का, आम जनता का, हम लोग का हाथ में है। तो उतना बोल के सबको फिर से once again, सबको थैंक यू।